पटियाला के ध्रुव पांडव स्टेडियम में आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, जहां पर लोगों ने अपना खूनदान किया। वहीं पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर विशेष तौर पर भूखे मेहमान के रूप में पहुंची। वहां पर कई लोगों ने 55 बार खूनदान किया और आज एक बार फिर दोबारा से खूनदान किया। कई लोगों को याद नहीं कि उन्होंने कितनी बार खूनदान कर चुके हैं। वहीं इस मौके पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कहा कि सबसे बड़ा दान है खूनदान। जो आज लोग यहां पर खूनदान डोनेट ब्लड डोनेट कैंप में पहुंचे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। सबसे बड़ा दान है खूनदान जो लोग कर रहे हैं। ये खूनदान जो लोग कर रहे हैं, ये खून किसी मजबूर और जरूरतमंद के काम आ सकेगा, बहुत खुशी की बात है। कई लोगों ने यहाँ पर खूनदान किया है और उन्हें यह भी नहीं पता कि कितनी बार वह खूनदान कर चुके हैं। किसी की मदद करनी है तो खूनदान के द्वारा कर सकते हैं। जिस प्रकार से ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है ध्रुव पांडव स्टेडियम में, बहुत अच्छी बात है। और आज महात्मा गांधी बलिदान दिवस है, हम सभी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आगे सिर झुकाते हैं। जो उन्होंने दिखाए हुए रास्ता है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। वहीं पूर्व देशराज मंत्री ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल द्वारा कल पटियाला में डमी फोन देकर कैप्टन सरकार को जगाने की कोशिश की, तो उस पर परनीत कौर ने कहा, अकाली दल वाले नकली के फोन दे सकते हैं, हम असली के फोन देकर दिखाएंगे। साडे बहुत ही प्यारे बच्चे ध्रुव पांडव जी जो साडे को चले गए, उन्होंने हर साल मंगल खूनदान कैंप लग्या होया और बहुत खुशी हुई मैनू इस मौके पर आके। इतने पांडव साहब के सारे जी पांडव परिवार के नाल जुड़े हुए वक् वक् हल्किया तो सारे आए हुए ने इस खूनदान कैंप के और इतने एक बहुत वधिया स्टार डोनेटर भी कई आए हुए ने। किसी ने 50 बारी 53 बारी खून दिता है, एक कहता मैं याद ही नहीं मैं कितनी बारी दिता है। खबर तेज 24x7 न्यूज़ के लिए पटियाला से बिंदर बातीश की रिपोर्ट।